धनतेरस पर डेट के कंफ्यूजन का समाधान, कैसे करें खरीदारी तो मिलेगा फायदा, धनतेरस पर बरसेगा धन, आप होंगे मालामाल। आज बताएंगे सारे नियम सारे उपाय। इस बार धनतेरस को लेकर काफी कंफ्यूजन है। वैसे तो धनतेरस का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि इस साल कुछ लोग 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाने की बात कर रहे हैं तो कुछ 23 को। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि आखिर असली तारीख क्या है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस साल धनतेरस का त्यौहार 2 दिवसीय होगा। धन त्रयोदशी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी शनिवार को शाम 4:13 पर लग रही है और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 4:45 तक रहेगी। इस अवसर पर अधिकांश लोग शुभ मुहूर्त में अपनी अपनी मान्यताओं के अनुरूप वस्तुएं खरीदते हैं। इसमें भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति, सोने चांदी के आभूषण, धातु के बर्तन, श्री यंत्र और कुछ विशेष चीजें जैसे कि वाहन, जमीन, फ्लैट आदि शामिल हैं। पंडितों के मुताबिक धनतेरस की पूजा 22 अक्टूबर यानी शनिवार को की जानी चाहिए। धनतेरस पर लक्ष्मी माँ और कुबेर की पूजा त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में की जाती है। इस साल लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को ही बन रहा है। इस वजह से धनतेरस या धन त्रयोदशी की पूजा 22 अक्टूबर को ही करनी चाहिए। 22 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:01 से शुरू होगा। धनतेरस की पूजा के लिए 1:15 का समय लगेगा। धनतेरस पर खरीदारी आप 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों ही दिन कर सकते हैं, लेकिन त्रयोदशी तिथि का ध्यान रखते हुए शनिवार को शाम 4:13 के बाद और 23 अक्टूबर रविवार को शाम 4:45 से पहले ही खरीदारी कर लें। हालांकि अगर आप वाहन या लोहे का सामान खरीद रहे हैं तो रविवार को ही खरीदारी करें, क्योंकि शनिवार के दिन लोहे की चीजें खरीदना शुभ नहीं माना जाता।